आप सबके, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने सम्मान में रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक डिफरेंट सी बाजरे की आटे की रोटी, जो बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, और जो लोग अपना वेट लूज़ कर रहे होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसको हम गूंदेंगे। मैंने आधा किलो बाजरे का आटा लिया है। इसमें हमने डालना है एक चुटकी के करीब नमक डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हमने गूंदना किस तरीके से, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। नमक को हम मिक्स कर लेंगे तमाम आटे में। असल में जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं वो रोटी वगैरह नहीं खा रहे होते हैं गंदम की, तो फिर उन्हें ये है कि एक क्रेविंग तो होती है कि रोटी भी खाएं, बिल्कुल रोटी के बगैर तो बंदा आपको पता है रह नहीं पा रहा होता है। तो बाजरे की रोटी जो है वो ऐसे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, हेल्दी भी होती है और उनकी डाइट के हिसाब से भी होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनाते हैं और आटा किस तरह से इसे गूंदते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालते जाएंगे और इसको हम गूंदते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको एक साइड पे करते जाएं और ऐसे हाथ में थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके इस तरह छींटे लगा के इसको गूंदते जाएं। अभी साइड में जो ड्राई थोड़ा सा था आटा बाजरे का, ये हम इस तरह शामिल कर लेते हैं। एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, उससे ये है कि आटा हमारा गीला हो जाएगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा आपको। ये देखें, आटा आधा किलो आटा काफ़ी है। अगर आप इनको बना के जो है रोटियों को फ्रीज करना चाहें तो वो भी बहुत आसान है, मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि एक साथ तो नॉर्मली बाजरे की रोटियां बहुत सारी नहीं खाई जाती हैं, तमाम घर के अफराद भी नहीं खाते हैं, तो इसलिए आप इनको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमने करना है। अब आपने इस तरह से इसको दबा दबा के आटे को एक करना है, एक चार साथ साथ बॉल भी खाते जाए और इस तरह एक चार करते जाए और इसको भून लें अच्छे तरीके से। ये देखें, इस तरीके से करना है आटे को। बस मैंने बार बार इसको मक्की लगाई है क्योंकि इसको समेटना होता है। ये उस तरह गंदम के आटे की तरह तो नहीं होता है कि इजीली इसको हम सारा समेट लें। अच्छा, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गंदम का आटा भी मिक्स कर सकते हैं बनाते वक्त रोटी, लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ऐसे भी इंशाल्लाह ताला बना ली जाएगी। अच्छा, इसके पेड़े भी उस तरीके से नहीं बनते हैं ना संभलते हैं। बस अब हमने क्या करना है, तो इसको इस तरीके से जोड़ के ऐसे हम इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इसमें हल्का सा जो है मैं ऑयल लगा दूँगी और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए जो है कवर करके रख देंगे, ताकि बहुत अच्छा सा आटा हमारा सेट हो जाइए। फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसकी रोटियाँ हमने कैसे बनानी है। चलिए, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं हमारे बाजरे को आटे को रखे हुए। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है दोबारा से सेट कर लेती हूँ। वैसे तो ये हो चुका है सेट, बस ये है कि इसको हमने बड़े एहतियात से संभाल के बनाना होता है रोटी को। तो हम इसको समेट लेते हैं और फिर इसकी रोटियाँ बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसकी रोटियों को बनाएंगे। सब में पहले मैंने जो है ये पॉलीथीन बैग ले लिए हैं, थैली इस तरह की। इसको हम ऑयल लगा देंगे थोड़ा थोड़ा सा। एक ये लिए, दो पीस ले लिए, दूसरी तरफ मैं ऑयल लगा दूंगी और दोनों को इस तरह से मैं रख देती हूँ। अब हमने करना ये कि हमने रोटी जिस साइज़ की बनानी है, या बड़ा भी पेड़ा बना सकते हैं क्योंकि हम रोटी की फिर कटिंग भी कर सकते हैं। दो तीन तरीके इसको बनाने के हैं, मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से बनानी है। अच्छा, इसका पेड़ा भी हमने उस तरीके से नहीं बनाना है जैसे कि हम आटे का पेड़ा बनाते हैं। बस इसको इस तरह जोड़ेंगे हम। ये देखें, ये शेप हम इसकी लेकर आ गए हैं। अब हमने इसको रखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हमने दूसरे वाले पॉलीथीन बैग पे इस तरह से ऑयलिंग कर लेनी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हम इसको इस वाले के ऊपर रख देंगे। पेड़ा जो हमने बाजरे के आटे का बनाया है, बस इसको हम आहिस्ता आहिस्ता पहले तो हाथ से ही प्रेस करके थोड़ा थोड़ा सा बड़ा करते जाएंगे इस तरीके से। देखें, हल्के हल्के। अब हमने बेलन की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता बेलना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा ज़ोर हम नहीं देंगे इसको। और इसको हमने घुमाना कैसे है मैं आपको ये भी बताती जाती हूँ। ये बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप वैसे बनाएंगे ना दूसरे तरीके से, बिल्कुल डायरेक्ट रख के बगैर इसके, तो वो फिर फटना शुरू हो जाएगी साइड से, टूटना शुरू हो जाएगी रोटी, ब्रेक हो जाएगी साइडों से, तो वो उस तरीके से बन नहीं पाएगी। अभी आप ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल आपके सामने है। ये देखें कितने अच्छे से ये तैयार हो रही है। ये देखें, मैं बिल्कुल हल्के से इस तरह से इसको बोला। अब दोबारा से मैं इसको इस साइड से इस तरह से कर लेती हूँ ताकि इसका शेप हमारी रोटी का अच्छा आ जाए और थोड़ी सी ये थिन हो जाए। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसको मोटा भी बनाना चाहते हैं और तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखेंगे इस तरह से, ये कि इसके ऊपर चिपकी नहीं है, ठीक है। इसको हम रखेंगे एक साइड पर क्योंकि हमने और रोटियाँ बनानी है। और थोड़ा सा हम इसको हाथ में पानी लगा के साइडों से मज़ीद, अगर थोड़ा सा इसका शेप ख़राब हो रहा है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी अच्छी शेप की बनी है। पहले ही रोटी हमारी बहुत बेहतरीन बन रही है। अब हम इसको इस तरह से करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाथ पे ऐसे उठा लेते हैं, ये आपके बिल्कुल सामने ही है। और अब हम इसको तवे पे रखते हैं, रख दिए गर्म होने के लिए। मैं इस पे ये रख दूंगी, ये देखें आपके सामने ही है। अब मैंने गर्म होने रख दिया था चूल्हा, इसका मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है
अब इसको थोड़ी सी देर के लिए हल्के चूल्हे पे होने देंगे, जब एक साइड से पक जाएगी तो फिर मैं इसको फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। आप चाहें तो इससे छोटे साइज की भी बना सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो तरीके मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से आप बनाएंगी तो आपकी बड़ी बड़ी रोटियां भी बन जाएंगी। ये देखिए साइडों से इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, एक साइड से ये पक गई है इतनी कि हम इसको भी पलटते हैं। ये देखें आपके सामने ही मैंने इसको पलटा है, बिल्कुल भी नहीं टूटी है ये। अब इसको आहिस्ता से हाथ से मैं सेंटर में कर देती हूँ और इसको हमने हल्के चूल्हे पर पकाना है बिल्कुल थोड़ी देर में मैं इसको। फिर उसके बाद इससे कपड़े से आपके पास जो भी रोटी से कपड़ा हो जिससे आप रोटी बनाते हो, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह घुमा के पूरे में हर तरफ से इसको दबा दबा के प्रेस करके आहिस्ता आहिस्ता पकाते रहें, बहुत अच्छा सा कलर आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। तो ये देखिए ये 1.5 से 2 बल्कि 3 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको कपड़े के साथ घुमा के वक्त वक्त से पका रही हूँ। ये देखें कितनी अच्छे से पक के तैयार हुई है। किनारों का भी खास ख्याल रखें, इस तरह से प्रेस कर करके पकाते रहें ताकि किनारे भी अच्छे से पक जाएं। लेकिन आपके सामने आप देख लें रोटी मैंने बहुत मोटी नहीं बनाई है, लेकिन अगर आपको मोटी रोटी पसंद है तो आप वो भी बना सकते हैं इसकी। ये देखिए कितनी अच्छी सी बनके तैयार हो रही है, बस समझिए 1 मिनट और हम इस तरफ से, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, और ये डाइट वालों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, इसी तरह शुगर पेशेंट के लिए, हाई बीपी वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए ये दूसरी तरफ से भी कलर तैयार हो गया, मैं भी आपको जब ये रख दूँ तो उसके बाद दिखाती हूँ। अच्छा अब हम बाकी मैं आपको 2 रोटियाँ छोटी भी बना के दिखाती हूँ कि किस तरह की बनके तैयार होंगी। अच्छा मैं इसमें दोबारा से थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी। अब मैं छोटे साइज़ के जो है पेड़े ले लूँगी थोड़े, ताकि हम 2 छोटी छोटी रोटियां बनाएं, क्योंकि आप इनको देखें आप इनको बना के ना फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है आप इसको फ्रीज़ कर दें इसी तरह पॉलिथीन बैग जो है बीच में रख के, और इनको आप फ्रीज़ कर दें छोटी छोटी सी आप बनाएं, तो जब आपको चाहिए हो इनको आप हल्का सा जो है गर्म कर लें और बिल्कुल रेडी होंगी खाने के लिए, क्योंकि इस तरह से बार बार तो हर वक्त एनी टाइम नहीं बना सकते वाली आप। बस आहिस्ता से इसको इसी तरीके से हम प्रेस करते जाएंगे। देखें इसमें लगा मन रहे घुमा घुमा के हल्के से हाथ से कर देंगे तो इसके किनारे भी सही रहेंगे, वरना कोई मसला नहीं है, किनारों को हम उसके बाद फिर कर देंगे सेट। ये देखें ये बन गई है, ये देखें हो गई है ना बेहतरीन किस्म की हमारी ये छोटी रोटी भी बाजरे की तैयार। बस थोड़ी सी अगर आप इसकी शेप, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही शेप है, अगर फिर भी आप सेट करना चाह रहे हैं तो कर लें, और इसी तरह मैं अपने हाथ पर उठा लूँगी और फिर मैं इसको तवे पर रखती हूँ पकने के लिए। छोटी वाली जो है वो भी अब मैं इसके ऊपर डाल दूँ, बिस्मिल्लाह मान रहे हैं। तो ये देखें वैसे आप इस साइज़ की बना लें वो तो ज़्यादा बेहतर है कि आपने फिर जब खानी हो तो आप इनको बना के और एक के ऊपर एक रख के करके फ्रीज़ करके रख लें तो आपको आसानी हो जाएगी, जब आपने खानी है आप निकालें। वैसे भी डाइट वाले बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं खाते हैं, छोटे साइज़ की आप खाते हैं तो आप इन साइज़ की बना लें, उनके लिए बिल्कुल बेस्ट साइज़ है ये। तो ये देखिए ये भी हमारी छोटी रोटी तैयार हो चुक्की है। अब मैं इस पर हल्का सा मक्खन लगा दूँगी, आप चाहें तो उस वक्त पकाने के दौरान भी लगा सकते हैं। ये देखिए हल्का सा मैं इस पर बटर लगा रही हूँ, उनको हल्का हल्का से लगा दीजिएगा ताकि अच्छे से सॉफ्ट भी रहे हमारी रोटियाँ। ये देखें मैंने 3 जो है छोटी बनाई है और एक बड़ी रोटी बना ली है, तो आप भी बनाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।